ये यहाँ से पाकिस्तान जाने का रास्ता है? पाकिस्तान जाने का आप बॉर्डर नहीं उतर गए? कहाँ से हो आप? मैं तो दिल्ली से हूँ पर मेरे को पाकिस्तान जाना है। हाँ कहाँ से? यूक्रेन से हो क्या? हैं यूक्रेन से हो? यूक्रेन से। हाँ स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। आज हमारा टारगेट है देहरादून जाने का। साइड में बढ़िया बढ़िया हरे हरे खेत चल रहे हैं मेरे सामने और ये गांव की सी कोई सड़क है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि आकाश ने हमारे साथ ज़बरदस्ती वो आ तो गया लेकिन उसको रास्ते में पता चल गया कि वो अभी तैयार नहीं है और मैंने उसको ये बात पहले ही बोली थी तुम तैयार नहीं हो, तुमको एक्साइटमेंट में तुम शुरू तो कर सकते हो लेकिन जब तुमको पता चलेगा कि तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर आएगा फिर और वो फिर घूमने के लिए सही नहीं है। तैयारी बहुत ज़रूरी। चलो आज गौमुख के लिए हमको टारगेट करना है और आज रुकेंगे हम देहरादून। चलो शुरू करते हैं। ओ नवीन लड़का बता भाई देहरादून ये कितने रुपए लीटर होता है यहाँ पे पेट्रोल है? देहरादून कितना किलोमीटर होगा? देहरादून भैया यहाँ से पड़ेगा आपको 85। 85 और मेरे को टर्न वगैरह लेना है कहीं? टर्न लेने मोड़ लेना है कोई? सीधा देहरादून ही? वहाँ से आप जाओगे वरापट को आगे निकलोगे आगे विकास नगर जाएगा। हाँ विकास नगर आएगा पहले। हाँ उसके बाद आपको राइट हैंड मोड़। ओके थैंक यू। आज तो रिजल्ट आ रहे हैं, कौन जीत रहा है आज? सैकल है देखो ये कैमरे में कोई नहीं बोलता भाई कौन जीतेगा बोलो भाजपा। ओके आप बोलो चलो अच्छा भैया बाय बाय। तो सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मजा आ रहा है। गांव में ज्यादा देखते हैं, आ भी जाते हैं पास में बात बात करने। अरे यार अच्छा मैंने एक चीज़ ये बड़ी देखी है कि जब हम उनको देखते रहते हैं ना तो एक और गाड़ी होती है जो साथ के साथ निकल जाती है तो हमको नज़र उधर ही रखनी है, नज़र उधर ही रखनी है पूरी गाड़ी निकल जाती है मैं उसको देखता रहता हूँ कि वो रोकेगा और एक और उसके पीछे वाली गाड़ी निकल जाती है। लिफ्ट बहुत आसान रहती है ऐसी वाली सड़कों पर, बहुत आसान रहती है, लोग रोक देते हैं चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे रुकते हैं पर इजी रहता है। आज रिजल्ट आने वाला है यूपी चुनाव का तो मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी आज ना आप यात्रा मत करो क्योंकि जो भी पार्टी हारेगी वो समझ गए ना नहीं मतलब वो ऐसा बोल रहे थे अब पता नहीं कौन हारेगी कौन जीतेगी और क्या होगा। वैसे हम सहारनपुर है तो सहारनपुर उत्तराखंड से लगता है, हम ये क्रॉस कर जाएंगे आज तो यूपी तो थोड़ी देर में ही क्रॉस हो जाएगा, बाकी कोई चेकबंदी नाकाबंदी वो सब ना हो रहा हो तो उसकी वजह से टेंशन होएगी फिर। पेड़ भी बढ़िया बढ़िया यार, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सा ये लगा हुआ है, ये देखो इसमें उतरने का मन कर रहा है मेरा बार बार। हाँ आज कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है आज? आज साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी पीछे तो लोग बोल रहे थे भाजपा जीतेगी। ये वाली सीट पे कौन जीता है इस वाले इलाके से? देखते हैं अभी कौन जीता। पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार भाजपा जीती थी यहाँ से, यहाँ से भाजपा जीती थी। ओके यूपी के ही वोटर हो सब लोग? यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? इतना तो हम जानते नहीं हैं। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? पटेल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हाँ थोड़ा हिंदी में पूछ रहे। जिला? जिला सहारनपुर। हाँ रहने वाले पटेल में है। पटेल ये चिलगाना था। ओके तो टोटल जिले नहीं पता कितने यूपी में? मैं इतना वो नहीं करता अपने काम से काम रखते हैं चलो चलो गए मिल के चलो बोला इतना वो नहीं रखता मैं अपने काम से काम रखता हूँ अभी तो काफ़ी एनर्जी है, ये एक बस वाले रोक रहे थे पर अपन बस से नहीं जाते कभी भी मैंने इनको ये दिखाया क्योंकि चढ़ गया फिर शादियों का सीज़न चल रहा है
हर जगह पे सजी हुई गाड़ियाँ दिखती हैं। एक मलिक भाई के लिए मलिक भाई ने गाड़ी रोकी है। हेलो, थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हो आप आगे? मैं जाऊँगा मिर्ज़ापुर। कितना किलोमीटर? ये कम से कम 20-22 पड़ जाएगा। 22? और मेरे को जाना है देहरादून, इसी रोड पे आएगा? नहीं, देहरादून। आप जहाँ पे जाओगे वहाँ तक छोड़ देना, देहरादून के रास्ते पे मुड़ जाऊँगा मैं। थैंक यू। कौन जीत रहा है आज? बस ये तो मालूम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर देहरादून अगर जाए इधर से सही पड़ेगा या इधर से ही पड़ेगा? ये पाउंटर। और आपको किधर जाना है? मुझे भी इधर ही जाना। ओके ओके, उसी का। थैंक यू। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। ओह, नज़ारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। देहरादून वाला फील भी आने लग गया है अब। अभी काफ़ी है वैसे। अरे तो बाइकर लोग भी यहाँ से जा रहे हैं यार काफ़ी। ये है कौन सा रूट? यहाँ से कैसे जा रहे हैं बाइकर लोग? तो वो मेरे को देख रहा है, व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी व्लॉगर लग रहा है बाइकर। मेरा प्लान है वैसे, देखते हैं यमुनोत्री गंगोत्री दोनों करने का ट्राई करेंगे। यमुनोत्री तो यहाँ से 195 दिखा रहा है अभी। यमुनोत्री का माइलस्टोन आया था अभी, 195 दिखा रहा था। तो देखते हैं, पहले तो देहरादून है, देहरादून से यमुनोत्री का रास्ता सीधा है, गंगोत्री का सीधा है। अब देखते हैं कहाँ का डिसीजन बनता है। आज तो देहरादून रुकेंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मजे में देखते हुए जाते हैं कि चलो। हेलो, यहाँ से उसका रास्ता किधर पड़ेगा? पाकिस्तान। बारे में नहीं है रास्ता यहाँ से, कोई कोई बॉर्डर नहीं है जहाँ से नीचे से जाने। मैं तो लोकल से नहीं हूँ। वो कोई ऐसा बॉर्डर वॉर्डर हो फिर नीचे से निकल जाए। मजाक कर रहा है, देहरादून जा और डर क्यों रहा है? डर गया। अरे नहीं 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 नहीं, डर के नहीं बता। मजा आ रहा है भाई, ऐसे मजे लूंगा मैं अब। भैया यहाँ से कोई पाकिस्तान का रास्ता है? नहीं मालूम। पाकिस्तान का रास्ता नहीं? नहीं मालूम। ऐसा कोई बॉर्डर वॉर्डर हो? नहीं मालूम। नहीं है? नहीं निकल, इधर तो आओ। क्या हो गया? बाकी रास्ता नहीं है पहले, ये खाया के लिए ले रहे थे हम। ये मैं, मेरे को पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान जाना है तो फिर वहां से जाओ ना। वीडियो बना रहा है, ये तो काम कराना बाबू। हैं? ये तो काम कराना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई ये नहीं, ये नहीं, भारत नहीं, पाकिस्तान यात्रा करूंगा मैं। अच्छा, कोई रास्ता नहीं है कहाँ? पाकिस्तान। तुम्हें पता? कोई रास्ता नहीं है भाई। नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। अरे तुम क्यों भाग रहे हो इधर तो आ? कोई ना है होगा कोई। अरे कहाँ से लगता है फिर बॉर्डर? कहाँ से लगता है? तो भाई इधर लगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बस पाकिस्तान के बाद। सिंगू बॉर्डर? नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग। पाकिस्तान जाता है वो तो हरियाणा का है। हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है वो तो।
मजाक कर रहा क्या बोल रहे हो? अभी तो बोलो दोबारा। अच्छा कौन सी पार्टी बोलती है ऐसा जैसा आप बोल रहे थे, ये तो बताओ। अरे बोला भारत यात्रा, सबका साथ सबका विकास। ये अच्छा भाई, दूसरों का स्लोगन दे दो मेरे को। ओ भाई साहब, ये क्या क्या बना रखा है, इसको क्या बोलते, बूंदी। ये तो नमकीन है, सारी पकोड़े नमकीन। अच्छा ठेला, इसका तो फोटो बनता है। कहाँ ये, यहाँ से पाकिस्तान जाने का रास्ता है? पाकिस्तान जाने का आप बॉर्डर नहीं तक? कहाँ से हो आप? मैं तो दिल्ली से हूँ, पर मेरे को पाकिस्तान जाना है। कहाँ से? यूक्रेन से होगा? हैं, यूक्रेन से हो? यूक्रेन से? हाँ यूक्रेन से नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। नहीं पता भाई, मेरे को ना फेसबुक पे एक लड़की से वहाँ पे बात हुई पाकिस्तान में। नहीं भाई, कहाँ पर आ गया? हाँ वो बोली पाकिस्तान आ जाओ। तो बताओ, बॉर्डर नहीं है इंडिया का? बॉर्डर नहीं है वहाँ से? नहीं यहाँ पर है बॉर्डर। बॉर्डर है साठ पहुँच जाओ। कितना, कौन सा? लद्दाख। लद्दाख से? हाँ ओके। लद्दाख में कौन सा बॉर्डर लगता है? बता भाई, हम उत्तर प्रदेश में लद्दाख यहाँ रखा है। लद्दाख तो बहुत दूर है। हिमाचल लगेगा, उत्तराखंड लगेगा। लद्दाख तो बहुत दूर है। लद्दाख से लेकर जाने के लिए बहुत कुछ पहनना पड़ेगा। हाँ वो तो ठंड भी होगी वहाँ तो। डर क्यों रहे हो? मजाक कर रहे हो? डरते हैं हम। हाँ चल यार, कितने कैमरे भाई? आज कौन जीत रहा है? आज कौन जीत रहा है? आज नहीं आएगा रिजल्ट? आज ही पता लगेगा। आज ही पता लगेगा, आज ही आएगा। हाँ यहाँ पे बीजेपी निकलता है। ओके अब सारे चैनल है, आप कोई से चैनल पे देख लो। करोड़ न्यूज वाले जो है ना, अभी 300 सीटें दिखा रहे थे बीजेपी की। हाँ टीवी 9 वाले 260 दिखा रहे। इन्हीं महीने आपस में कौन कितनी सीटें दिखा रहा, कौन कितनी दिखा रहा। हाँ पर यहाँ से पिछली बार कौन जीतता था? कांग्रेस। ओके तो कांग्रेस। अच्छा अकाउंटिंग चल रही है, देखो गाड़ी आड़ी जा रही है। तो फिर मैं नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँगा मैं वहाँ पे? आप अलग अलग चैनल खोल लो, कोई से कोई से भी खोल सकते हो चैनल। एक कोई हर चैनल अलग अलग बता रहा बीजेपी की, तो फिर नकली बताते हैं वो है? नकली बताते हैं, वो तो आप देखेंगे, असली बताते हैं। ये भी है, यहाँ से भी साइकिल की सरकार आएगी। अच्छा मैं क्या करूँ, मैं तो साइकिल से भी नहीं जा पाऊंगा पाकिस्तान। कोई बात ना, पैदल निकल लो यहाँ से, आसान पड़ जाएगा अमृतसर से। हैं हवाई जहाज से चले जाइए। अरे अमृतसर से? हाँ अमृतसर से है बॉर्डर। अमृतसर से आपको वहाँ का बॉर्डर? ये अमृतसर। हाँ अमृतसर से बॉर्डर सही पड़ेगा। ये अमृतसर। हाँ अमृतसर पास में है। चलो ठीक है, थैंक यू, मजा कर रहा था मैं। समझ तो गए होगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। मैं ट्रैवल विदाउट मनी पूरा भारत घूम रहा हूँ मैं, देख लेना। ट्रैवल विदाउट मनी, ये सबसे नीचे की लाइन है जो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मजा आ रहा है भाई प्रैंक करने में।